आज हम बात करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के द्वारा एक बेल दी गई थी रेप केस, उसको सेट असाइड कर दिया सिर्फ इस ग्राउंड पर कि जो अक्यूज्ड है उसने रिलीज होने के 3 महीने बाद पूरे शहर में होर्डिंग और पोस्टर लगाए थे। उसके सपोर्टर्स ने सोशल मीडिया पर उन होर्डिंग और पोस्टर्स को भैया जी इज बैक के कैप्शन के साथ पूरे सोशल मीडिया पर वायरल किया था। तो इसके जो केस के फैक्ट्स हैं उसको हम जान लेते हैं। जो कंप्लेनेंट है, हाई कोर्ट से बेल मिलने के बाद अक्यूज्ड को कंप्लेनेंट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में प्रेयर करी कि इसकी जो बेल है वह सेट असाइड होनी चाहिए, क्योंकि इसने पूरे शहर में होर्डिंग लगाई है, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे भी, जहाँ पे मेरे फादर काम करते हैं वहाँ पे भी, तो एक तरीका से हमको मॉक करने के लिए है। और दूसरा, इसके ऊपर पहले से और भी क्रिमिनल अदर 4-5 केस के ऊपर चल रहे हैं अदर ऑफेंसेस में, और इसको इसके जो फादर है पॉलिटिकली कनेक्टेड है। और इसमें जो अपोजिट साइड के काउंसिल है उन्होंने कहा था जो होर्डिंग लगी है या इन्होंने होर्डिंग लगाई है वह इसकी जो रिलीज है उससे रिलेटेड नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा बेशक जो इन्होंने जो होर्डिंग लगाई है वह इसके रिलीज से रिलेटेड ना हो, लेकिन जो कैप्शन सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है भैया इज बैक, तो इसकी वजह से यह पता लगता है सोसाइटी में इनकी यह सुपीरियर है और यह पावरफुल है जो इनकी फैमिली है। तो इससे जो कंप्लेनेंट है उस पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, और इसके जो अक्यूज है उसके कंडक्ट से जो कंप्लेनेंट है उस पर यह प्रभाव पड़ता है कि उसको इस बात का डर है कि जो ट्रायल है वह फेयर होगा या नहीं होगा, और इस बात का भी डर है कि जो विटनेस है उनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो इस वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बेल को रद्द किया था जो हाई कोर्ट ने दी थी उसको।